झारखंड सरकार के तरफ से सभी उपभोक्ताओं का बिजली का जो बकाया था वो माफ कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे जो बिजली का बिल है वो माफ हो गया है, अब हमें नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ये कैसे चेक करेंगे कि आपका बिजली जो बकाया था वो माफ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन चेक करना है, मैं इसका ऑफिशियल लिंक वहां पर दे देता हूं, जाइए वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है सब डिवीजन दे देना है, जो भी सब डिवीजन है, जो भी अनुमंडल से आप आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। झारखंड में जितने भी सारे अनुमंडल हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, अपना वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को कंज्यूमर नंबर दे देना है। कंज्यूमर नंबर आप कहाँ मिलेगा, ये क्या होता है, ये एक होता है आपका जैसे यूजर नेम नहीं होता है वैसे ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। ये आपको जो बिल आपका जो बकाया कभी अगर आपको मिला होगा बिजली बिल उसमें कंज्यूमर नंबर लिखा होता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपके मीटर के एरिया में भी कहीं ना कहीं वो पेन से ये लिख दिया गया होगा कि आपका कंज्यूमर नंबर क्या है। तो कंज्यूमर नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये चेक कर पाएंगे। तो कंज्यूमर नंबर देंगे और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोगों का सारा डिटेल आ जाएगा कि कंज्यूमर का नाम क्या है, उसका जो बेनिफिशियरी का नाम क्या है, कहाँ से आपको ये बिजली मिल रहा है, अकाउंट नंबर और यहाँ पे आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल सब रहता है। और यहाँ पे नेट डिमांड का एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे शो हो रहा है मेरे केस में जीरो, यानी कि मैं जिसका चेक कर रहा हूं उसके केस में ये नेट डिमांड जीरो दिख रहा है। अगर आपके केस में भी ये नेट डिमांड जीरो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपका बिजली का जितना भी बकाया था उसको जीरो कर दिया गया, यानी कि वो माफ हो गया, अब आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। जिसके केस में यहाँ पे जीरो शो हो रहा है उनका कंफर्म है कि उनका बिजली का बकाया जो बिल है वो माफ हो गया। अगर आपको यहाँ पे नेट डिमांड के सेक्शन में कुछ दिखता है वो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है अभी तक आपका जीरो नहीं हुआ होगा तो कुछ दिन वेट कर लीजिएगा, ये नेट डिमांड आपका जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने बिजली बकाया जो राशि है आपका उसको माफ किया गया है या फिर नहीं किया गया है वो आप ऐसे ही चेक कर पाएंगे। आई होप आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लेटेस्ट अपडेट मैंने दिखाया, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।